लीडरशिप को हटाना है, क्या कहेंगे इस पर? अब एक भ्रष्टाचारी की बात थोड़ी देश सुनेगा, जिसको कोर्ट बेल भी नहीं दे रही है, पेरोल दे रही है कि जाओ 15-20 दिन, भैया कहना मत, वोट वोट मांग के आओ। 2014 में भी मांगे थे, 2019 में भी मांगे थे, 2024 में भी मांग रहे। तो ऐसे भ्रष्टाचारी करप्ट लोगों का, ये तो डिक्टेटर के चरम सीमा पर खुद ही पहुंच गए हैं। जेल में है फिर भी मुख्यमंत्री ऑफिस में उनको घुसने का अधिकार नहीं है, उनको सचिवालय जाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, लूटा है दिल्ली को, शराब घोटाला किया है, कौन मुंह लेकर के जाएंगे? कालिख पोत के भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जाओ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे भ्रष्टाचार की कालिख लगी हुई है, सबको दिखा के आओ। अब उनकी कही हुई बात को कोई क्या सुनेगा? ऐसे प्रचार प्रसार में उतर गए हैं केजरीवाल। अरे बड़ा अच्छा है भैया, उतर जाओ। पहली बार उतरे हैं क्या? 14 में नहीं थे क्या? 19 में नहीं थे क्या? भगवान ने बहुत अच्छा किया, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कि उनको प्रचार करने के लिए भेज दिया। हालांकि ये 2 जून को वापस उनको जाना है अंदर, लेकिन अब वो ये नहीं कह पाएंगे हमने प्रचार नहीं किया। प्रचार करिए, देखते हैं क्या क्या बोलते हैं। बीजेपी की कितनी सीटें आ जाएंगी दिल्ली में? 7 की 7 सीटें, बहुत भारी अंतर से।